हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है इस स्टार इंग्लिश चैनल पे सिंटू सर के तरफ से। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट वन, जो 2022 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैक बोर्ड के तरफ से जो जारी किया गया है 5 सेट। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, 5ों सेट का सोल्यूशन हम लोग करेंगे और इस वीडियो में 1ला सेट का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन वन है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8। यहां पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहां पे जो यह आर है, यह एक रिलेशन एन पर है। किस पर रिलेशन है? एन पर। एन बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यह रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है मेरे भाई, तो एक्स प्लस टू वाई बराबर 8 है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि द डोमेन ऑफ आर इज, मींस इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो नंबर जो हमें लेना है वेरिएबल एक्स का, वो नंबर कहां से भाई लेकर आना है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और आप लोग जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन जो है, तो वो भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब हमारा नेचुरल नंबर है। तो चलिए, हमारा जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है वो क्या है भाई, तो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 है। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 है। तो आप ऐसा कीजिए कि यहां से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स, मीन्स y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 8 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप यहां से समझिएगा कि अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो x का वैल्यू अगर आप 1 लेंगे यहां पे, तो 8 माइनस 1 7 बाई 2 y का वैल्यू होगा, और यह 7 बाई 2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह बात कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इसको हम लोग x बराबर 1 नहीं ले सकते हैं। अब अगर आप x बराबर 2 लेंगे, x बराबर जब आप 2 लेंगे तो y बराबर क्या निकल के आएगा भाई, तो y बराबर निकल के आएगा 8 माइनस 2 बाई 2, मीन्स 6 बाई 2, ये कटा 3, तो y इज इक्वल टू क्या निकल गया, 3 आ गया, जो कि एक नेचुरल नंबर मिला। यानी हमारा जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, और जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। चलिए आपको रिलेशन तैयार करके पहले दिखाते हैं। अब चलिए, अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 8 माइनस 3 5 बाई 2, ये भी नहीं बनेगा। x का वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं, x का वैल्यू अगर आप लेंगे 4, x इज इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 8 माइनस 4 जो कि 4 आएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब x का वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो 8 माइनस 3 5, ये तो नहीं होगा, चलिए 4 ले लिए हैं, 5 लेंगे तो यहाँ 8 माइनस 5 3 बाई 2 होगा, ये भी नहीं चलेगा। 6 लीजिए, 6 लीजिएगा तो 8 माइनस 6 जो कि 2 बाई 2 हो जाएगा, मीन्स हम लोग x का वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो 8 माइनस 6 2 बाई 2, यानी y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब चलिए, x का वैल्यू 7 लेंगे तो नहीं होगा, x का वैल्यू 8 लेंगे तो 8 माइनस 8 0 भाई क्या हो जाएगा, 2, यानी हमें 0 मिल जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो अब यहां से देखिए, जो रिलेशन तैयार हुआ है उसको पहले यहां आप लिखिए। तो रिलेशन क्या तैयार हुआ है, तो x का वैल्यू मैंने 2 लिया तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिला। x का वैल्यू हमने यहां देखिए 4 लिया तो y का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला, चलिए ठीक है। x का वैल्यू हमने 6 लिया तो y का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। अब यह जो रिलेशन है, इस रिलेशन के पहले स्थान पे जो जो यहाँ एलिमेंट बैठा हुआ है, ये हमारा डोमेन होगा। तो यहाँ से अगर हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या निकल के आएगा, तो डोमेन बराबर निकल के आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 6 है, यानी यह हमारा डोमेन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन डोमेन ही पूछ रहा है, तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डोमेन न पूछ के अगर आपसे रेंज पूछ देता, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू निकल के आया है यह हमारा रेंज है, मीन्स इस रिलेशन के सेकेंड स्थान पे, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड स्थान पे नंबर है वो सब रेंज होता है। अगर हमसे रेंज पूछ देता रेंज, तो रेंज बराबर क्या होता, तो रेंज बराबर हो जाता यहाँ से 3,
और यहां से 2 और यहां से 1, तो यह रेंज हो गया। लेकिन अगर आपसे बोलता है कि आप रिलेशन तैयार करके दीजिए, जो रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, तो आप ये वाला रिलेशन इस तरीके से निकाल के रखते, ठीक है, तो रिलेशन और आगे भागता है ना। लेकिन हमसे यहां पर डोमेन पूछ रहा है, डोमेन हमने बता दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। यहां पर जो यह एल है वो सभी लाइनों का एक सेट है, कहां पर, एक प्लेन में, एक तल में। एंड आर बी द रिलेशन इन एल, और यह जो आर है यह इस लाइन एल में क्या है, रिलेशन है, संबंध है, डिफाइंड है, जो इस तरीके से डिफाइंड है कि आर इज इक्वल टू है, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर क्या है, और एल वन और एल टू का बना है, सच डेट इस प्रकार से है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब L1 जो लाइन है इस सेट L से, जो लाइन दो लिया गया है L1 और L2, तो यहां पर L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है। देन R इज, तब पूछ रहा है कि R कैसा रिलेशन होगा, आप बताइए। ऑप्शन 1 है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ऑप्शन 2 है बी नंबर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन सी है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो आप यहां पे बात होगा कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो आप यहां पे समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आउटलाइन ले लेते हैं, है ना। तो चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहने का मतलब है कि खुद का खुद से रिलेशन होना रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। जैसे वन का वन से रिलेशन होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, टू का टू से रिलेशन होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन बनना चाहिए। इन दिस कंडीशन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां पर मतलब एक का दो से रिलेशन तो दो का भी एक से हो जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि मान लीजिए हम जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं, सपोज डेट ऐसा है नहीं, मान लीजिए हम जिस लड़की से प्यार करते हैं अगर वो लड़की भी हमसे प्यार करे तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है, है ना। नहीं तो आप जान दे रहे हैं दूसरे के लिए और वो आपके लिए कुछ कर ये नहीं रही है, बोल रहे जाओ जहां जाना है, तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। बोथ साइड रिलेशन जो है बनना चाहिए। तो चलिए अब ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में तीन लोग आते हैं भाई, कैसे कैसे। तो मान लीजिए कि एक सेट से तीन एलिमेंट्स उठाए गए हैं ए बी सी, और रिलेशन ऐसा बनेगा कि मान लीजिए ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है। तो अगर ए का रिलेशन सी से बन जाए तो ऐसा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। मतलब मान लीजिए यहां पर अमित है, है ना, कौन है, अमित है, यहां पे पप्पू है और यहां पर मान लीजिए गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी मान लीजिए डायरेक्ट गुप्ता जी हैं। तो मान लीजिए कि अमित का रिलेशन है पप्पू से और पप्पू का रिलेशन है किससे, गुप्ता जी से। तब अगर अमित का रिलेशन भी यहां अगर गुप्ता जी से हो गया तो इन दिस कंडीशन वी कैन से गिवन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, है ना। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये हम लोग को बताना है कि भाई क्या होगा। तो देखिए, तो L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है तो रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ हम एक लाइन वहां से निकालेंगे। मान लीजिए हम L1 लाइन निकाल दिए, यह लाइन है L1। तो कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, है ना। ये लाइन अपने आप पे 90 डिग्री का एंगल कभी नहीं बना सकता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, बट यहां पे पॉसिबल नहीं है। यानी इस कंडीशन में यह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव का तो कंडीशन इसका खत्म हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो ये तो रिफ्लेक्सिव खत्म कर लिया है। अब क्या परपेंडिकुलर होगा, तो चलिए देखते हैं। यह L1 है और एक लाइन हम L2 यहां से ले लिए,
तो यहां पर L1 जो है L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर। L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जो हमारा L2 है वो भी L1 पर क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी यहां से ऐसा हुआ कि L1 का रिलेशन L2 से बना, तो L2 भी बना दिया रिलेशन किससे, L1 से। और इस कंडीशन में रिलेशन जो है सिमेट्रिक होता है, यानी भाई रिलेशन अभी यहां पर सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक है। अब चलिए क्या ट्रांजिटिव होगा, तो चलिए देखते हैं। L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और एक लाइन हम ले लिए L3 जो कि L2 पर परपेंडिकुलर है। तो अब बात समझिए, L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 पर और L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 पर। तो क्या L1 L3 पर परपेंडिकुलर हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए L1 इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, यानी यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनाया। तो सिर्फ कैसा बनाया, सिमेट्रिक बनाया, यानी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं। भाई ये बात गलत है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, सही बात, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर बी जो है सही है। सी में बोल रहा है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं, भाई सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं, नहीं एक आंसर है बी जो कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि लेट एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम आर, फ्रॉम आर, बट इस आर में हमें माइनस फोर बाई थ्री नहीं लेना है। मीन्स यह एफ एक ऐसा मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर कि पहले रियल नंबर में हमें माइनस फोर बाई थ्री नहीं लेना है। मीन्स इसके डोमेन में माइनस फोर बाई थ्री हम लोग नहीं ले सकते हैं और इसका जो को डोमेन है एवरी रियल नंबर है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, इस तरीके से यह फंक्शन डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है फोर एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर है। क्लियर। अब आगे है द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी, मैप जी रेंज एफ, मतलब यह जो एफ का इनवर्स है वह जी है जो कि रेंज एफ से कहां पर मैपिंग कर रहा है, तो आर माइनस फोर बाई थ्री से, यानी इसका जो रेंज आया है उसके रेंज से यह मैपिंग कर रहा है ए जी, ठीक है ना। यहां तक इज गिवेन बाई, इस तरीके से गिवेन है। मीन्स यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस एफ का जो इनवर्स है वो जी मैपिंग किया है यहां पे कहां से, तो रेंज ऑफ एफ से कहां तक, तो इसके डोमेन तक। तो F का यहां पर इनवर्स क्या होगा, और F का इनवर्स कौन है भाई, यहां G है। मींस F का इनवर्स हमें ढूंढना है। तो चलिए, यानी अब हम लोग कैसे इसको ढूंढेंगे, तो सबसे पहला बात आप समझेंगे कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप समझे होंगे बात कि y बराबर हमें क्या वहां मिल रहा था। तो y बराबर हमने सीखा था कि y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स। तो यह कंडीशन क्या होगा कि यह एफ जब वाई के पास जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स क्या होगा भाई, वाई हो जाएगा। यानी सिंपल फंक्शन एक्स के टर्म में होता है और इनवर्स फंक्शन यहां वाई के टर्म में हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ए वाला, कौन वाला भाई, यहां देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, तो यह है फोर एक्स अपॉन 3x प्लस फोर, है ना। इसको हम लोग y के टर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो f ऑफ x बराबर क्या है, तो यहाँ पे y है, आप इसको यहाँ पे y लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ है 4x अपॉन 3x प्लस फोर है, तो इसको आप इधर लेकर आएंगे, ये डिवाइड वाले को इधर शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू 3x प्लस फोर इज इक्वल टू क्या होगा, 4x। क्लियर। चलिए इसको अंदर डालिए, तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। तो अब क्या हो जाएगा, इसको आप इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना इधर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 4x माइनस ए वाला इधर शिफ्ट होगा, तो 3xy इज इक्वल टू क्या इधर बच रहा है, तो भाई 4y इधर बच गया। क्लियर। अब यहां से आप x को कॉमन कर लीजिए तो ये आपके पास बच जाएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y, 4y। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे भाई,
तो x इज इक्वल टू यह इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, मीन्स यह हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y हो जाएगा। अब आप यहां से समझिए कि x आया, x बराबर y के टर्म में मैंने फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया है, तो x बराबर क्या है, f इनवर्स y है, मीन्स इसके पास x के पास आप क्या रखेंगे, तो रखेंगे f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आया, तो आ गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y आया, है ना। और f इनवर्स जो है वो कौन है भाई, g है, यानी f इनवर्स को आप रिप्लेस कर दीजिए किस से, g से, तो ये बन जाएगा gy, और gy बराबर हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y, तो यह आपका आंसर आ गया। तो देखिए भाई ये आंसर कहां पे लगा हुआ है, gy इज इक्वल टू 4x अपॉन 4 माइनस 3y, तो ए तो है नहीं ऊपर में, 4x है हमारे पास, ए तो होगा नहीं, हाँ जी बी नंबर देखिए, जी वाई इज इक्वल टू 4x अपॉन 4 माइनस 3y, हाँ जी बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए इसको ध्यान से, पहले समझने की जरूरत है क्वेश्चन को, इसके बाद उसको बना लेंगे हम लोग, है ना। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 ऑन 2 देन गॉफ इज, यहां पे बोला जा रहा है कि जो फंक्शन यहां पे एफ और जी दिया हुआ है वह 1 भी है और ऑन 2 भी है। 1 फंक्शन कहने का अर्थ क्या होता है भाई मेरे, तो सपोज कीजिए यहां पर एक सेट ए है और यहां पर एक सेट बी है, इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स रखे गए हैं ए बी सी और इसमें रखे गए हैं डी ई एफ जी एच, ऐसे मान लीजिए एक का यहाँ पर कनेक्शन ए का डी से, बी का ई से और सी का एफ से, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब का मैपिंग सेट बी के कम एक एलिमेंट से होगा तो वह फंक्शन होगा, पहला बात। और सेट ए के अगर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बने, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बने सेट बी में, एक से अधिक नहीं, तो यह क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। तो देखिए ए का डी से है, बी का ई से है, सी का एफ से है, मतलब एक का इमेज इसमें एक ही बना हुआ है और इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यह एक मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट जब इस मिरर में देखेगा तो यहाँ पर कोई भी छूटेगा नहीं, सबका इमेज वहाँ पे बनेगा। तो आइए, यानी सबका देखिए अलग अलग बना हुआ है, तो यह मेरा एक 1-1 फंक्शन है, इसमें क्या छूट रहा है उससे मतलब नहीं है, है ना, तो यह मेरा एक 1-1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन कहने का अर्थ होता है कि ऑन टू फंक्शन में हमारे पास रेंज इज इक्वल टू भाई कोडोमेन होना चाहिए, रेंज बराबर क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए। कोडोमेन क्या होता है, तो पूरा होल सेट यहाँ पे जो बी है इसको कोडोमेन हम लोग बोलते हैं, और जो चीज बन के निकलता है उसे रेंज बोलते हैं, मीन्स एक्चुअल रिजल्ट, रेंज को हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट, जो चीज बन के निकल रहा है। तो यहां से मान लीजिए इसको हमने हटा दिया जी और एच को, तो हमारे पास जो बन के निकला भाई वह है डी E और F, तो ये हमारे पास रेंज हो गए। और कोडोमेन तो पूरा सेट भी है, तो कोडोमेन अभी इसके पास क्या है भाई, तो ये भी है DEF, यानी रेंज बराबर यहाँ पे कोडोमेन है, तो इस कंडीशन में यह फंक्शन 1-1 तो है, अभी यह 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो यह एक ऐसा फंक्शन है जो कि 1-1 भी है और ऑन टू भी है, बट ऑन टू होने के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं, लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1-1 ऑन टू देन गॉफ इज, अगर एफ भी 1-1 फंक्शन यहां पे है और जी भी 1-1 फंक्शन है, तो आप इसका गॉफ निकालेंगे वो भी 1-1 फंक्शन होगा, 1-1 और ऑन टू, तो गॉफ भी आप निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, 1-1 ऑन टू फंक्शन होगा, मीन्स इसका जो ऑप्शन है वह 1-1 ऑन टू, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1-1 बट नॉट 1-1 ऑन टू, ए तो भाई गलत है, ऑन टू है लेकिन 1-1 ऑन टू नहीं, बी गलत, 1-1 इन टू ए गलत है, मेनी 1 ए भी गलत है, मेनी 1 ऑन टू, तो सिर्फ 1-1 ऑन टू होगा इसका सही आंसर। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर।
तो आइए हम लोग पहले इसको प्यार से पढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 क्या बोल रहा है हमसे और ऑप्शन इसका क्या सही होगा। तो यहाँ पे है कि लेट द फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर। यहाँ पर एक फंक्शन एफ है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप कर रहा है। बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। यह किस तरीके से परिभाषित है मेरे प्यारे भाई? तो यह परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 - 4x, देन एफ इज। तब पूछ रहा है आपसे कि एफ क्या होगा? 1-1 होगा, 1-1 बट नॉट ऑन टू होगा, 1-1 एंड ऑन टू होगा, कि नन ऑफ दिज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं भाई, हमारे हाथ में मार्कर है, टेंशन क्या लेने की बात है भाई। जब हाथ में मार्कर है तो भाई सब काम हो जाएगा, पेन है तो सब काम हो जाएगा। तो आइए 3 - 4x, अब देखिए इसको इस ढंग से आप कीजिए कि आपको बातें समझ में आ जाए कि भाई क्या होगा। तो देखिए दो सेट हमारे पास है भाई, सिंपल सिंपल नंबर लेके हम लोग देखेंगे क्या है। तो ये भी सेट जो है रियल नंबर का है और ये भी जो सेट है भाई रियल नंबर का है। और फंक्शन क्या डिफाइंड है? तो एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 - 4x, यही है। हाँ भाई यही है। तो यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे हम लोग नंबर डालेंगे निकाल निकाल के। तो मान लीजिए कि रियल नंबर है, कुछ भी हम ले रहे हैं भाई, रियल नंबर तो कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ऐसे ऐसे छोटा नंबर ले लिया हमने, है ना। अब हम अगर एक्स का वैल्यू भाई 1 लेंगे, क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो यह हो जाएगा 3 - 4 × 1, यानी 3 - 4 मेरे भाई -1 आया। तो यहां आ गया मेरे पास -1। तो 1 का कनेक्शन किस से बना? -1 से बना। 1 का रिलेशन जो है -1 से बना। अब मेरे भाई x का वैल्यू 2 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 - 4 × 8, यानी 3 - 8 करेंगे तो -5 आएगा, यानी भाई यह जो है -5 दे दिया, यानी 2 का कनेक्शन किससे? -5 से। अगर भाई आप x का वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 - 4, 3 = 12, यानी 3 में से आपको 12 घटाना है, जो कि माइनस में क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, यानी -9। तो यहाँ पे देखिए ये चीज, इसका कनेक्शन 3 का माइनस 9 से। मेरे भाई यहाँ पे अगर 4 ले लिया जाए x का वैल्यू, तो 3 - 4, 4 = 16, यानी -13 x का वैल्यू आएगा, यानी यहाँ -13। बस इससे ज़्यादा हम लोग काम नहीं करेंगे। अब इसमें बहुत सारा नंबर है रियल नंबर, इसमें भी बहुत सारा नंबर है, लेकिन आप यहाँ पर यह सोचिए देखिए कि एक एलिमेंट जो मैंने 1 डाला, अगर -1 डालेंगे आप तो क्या होगा? तो -1 डालेंगे तो ये देगा 3 और -4 = 7 दे देगा, है ना। तो यहां पर 1 का कनेक्शन -1 से, 2 का -5 से, 3 का -9 से, 4 का -13 से, यानी एक एलिमेंट एक के साथ ही जुड़ रहा है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो भाई क्या होता है? 1-1 होता है, यानी यह फंक्शन 1-1 है। क्या है? 1-1 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। यह भाई क्वेश्चन नहीं है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कैसा है भाई? लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है भाई, सही में लॉलीपॉप है। एफ ऑफ एक्स बराबर है x - 1 / x + 1। तो आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ 1 क्या होगा? एफ ऑफ 1 क्या होगा? मतलब एक्स बराबर 1 लेना है, एक्स बराबर क्या लेना है? 1 लेना है, यानी x के जगह पर आप 1 देंगे तो 1 - 1 / 1 + 1, ऊपर 0 नीचे 2, 0 में 2 से भाग करेंगे मेरे भाई तो 0 ही मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई कि इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन ऑप्शन गिवन, कौन सा ऑप्शन सही है साहब, आप इसमें टिक आउट कीजिए ताकि आपको एक नंबर मिल जाए। यानी आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ऑप्शन में यहाँ पे वाई रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वाई रखा हुआ है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, मीन्स आप एक्स का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालिए, वाई का वैल्यू जो निकलेगा मेरे दोस्त, जो चीज बन के निकलता है वह रेंज होता है, जो चीज आप डालेंगे वह डोमेन होगा, जो बन के निकलेगा वह क्या होगा, रेंज होगा। यानी एक्स आप डालेंगे तो ये तो डोमेन है, लेकिन यहाँ पे वाई निकल रहा है वह रेंज है, और यहाँ पर साइन इनवर्स है। और मेरे दोस्त आप अगर याद किए होंगे तो बात सही है कि जो साइन इनवर्स का रेंज होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होता है, और इसके बीच का कोई भी होता है, और यह है क्लोज इंटरवल। मेरे दोस्त कहने का अर्थ है कि यहाँ पर माइनस पाई बाई टू और यहाँ पर पाई बाई टू, यहाँ पर आप एक नोड बनाएंगे, और क्लोज इंटरवल का अर्थ है कि इस नोड को कंप्लीटली फिलअप करते हुए गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी और इसको भी फिल कर देगी, पूरी पूरी भर देगी। तो ये भी नंबर हमारे आंसर में आएगा, ये भी नंबर आएगा, इसके बीच में है जितना वो सब आएगा। मीन्स क्लोज इंटरवल को एक तरीके से और हम लोग लिख सकते हैं भाई, कैसे, तो क्लोज है और वाई का वैल्यू है, मीन्स पाई बाई टू लेना है, यानी इससे बड़ा और बराबर होगा यह पाई वाई, लेकिन पाई बाई टू से छोटा और बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर भाई मेरे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि वाई का वैल्यू, यानी साइन इनवर्स में एक साथ कुछ भी डालेंगे तो y का वैल्यू हमेशा पाई माइनस पाई बाई टू से बड़ा और बराबर होगा, और पाई बाई टू से छोटा और बराबर होगा। क्लियर क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस वन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू का अर्थ होता है मेरे दोस्त कि इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, टैन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, छह ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो जो उसके रेंज में वैल्यू आएगा वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा, अदरवाइज कोई प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। तो आइए यहां पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है साहब कि tan इनवर्स माइनस वन है, क्या है, tan इनवर्स माइनस वन है, और आपने सीखा होगा कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना। तो इसको आप भाई लिख दो माइनस tan इनवर्स वन, और यहां माइनस और tan इनवर्स वन मीन्स यह वन tan में कितने डिग्री का वैल्यू है मेरे भाई, तो पाई बाई फोर मीन्स 45 डिग्री, और माइनस लगा तो माइनस 45 डिग्री मीन्स माइनस पाई बाई फोर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी जो है सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, आपको समझने की जरूरत है, अगर आप समझ गए प्रैक्टिस बढ़िया से करेंगे, अगर आप जहां पे ट्यूशन कर रहे होंगे, अगर आपको वहां पे बेसिक तरीके से एकदम मस्त तरीके से पढ़ाया गया होगा तो आप 40 में 40 करके आएंगे, इसमें दाग लगने की कोई बात नहीं, उम्मीद ही नहीं है कि दाग लग जाएगा, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाया गया होगा तो आपका एक से लेके पाँच तक क्वेश्चन छूटेगा, और उधर जो है 34-35 यानी 35 से 40 तक क्वेश्चन छूटेगा। इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो देखिए अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इज, इसका मान क्या होगा भाई, क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन रे भाई, इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चा लोग 40 में 40 लाएगा,
याद रखो, सोने की जरूरत नहीं है भाई, इतना आसान मत समझो तुम, मेरे लिए है। बोल रहा है कि मेरे भाई कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का वैल्यू बताओ दोस्त। तो मेरे दोस्त आप ऐसा नहीं कर देना कि यह दिया है और यहां ऑप्शन में भी दिया है। मेरे दोस्त आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, मैं जानता हूं आप भी जानते हैं, याद है भाई, लेकिन मामला फंस जाएगी कैसे। तो यह एक्स जो है ना मेरे दोस्त, वो जीरो से पाई तक रहेगा तबे सही होगा। मींस इसका रेंज जो है कॉस इनवर्स का वह क्या है, तो जीरो टू पाई है, जीरो टू पाई है, मतलब जीरो भी होगा पाई भी होगा, इसके बीच में जो भी कीड़ा मकोड़ा आएगा सब होगा आंसर में, क्लियर। तो आइए, यानी 13π/6 ठीक है, इसके बीच में आएगा भाई, नहीं आएगा, ये 30 डिग्री, एक डिग्री होगा 30 डिग्री, और 13 3 39 390 डिग्री तो बहुत दूर है उससे। तो पहले इसको हम लोग उसके रेंज में लेकर जाएंगे, तो इसको आप करिएगा कॉस पाई, यहां कर दीजिए 2π/π/6, ऐसा काम आप कीजिए। तो ये हो गया 6 × 12 12 और 13π/6। अब आपको यहां फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है। तो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और 360 डिग्री का मतलब है 2π, यानी cos 2π/θ होता है cos थीटा। कैसे, क्योंकि ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड वी नो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव एंड नॉट चेंज 2π/θ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। तो सही बात है भाई, ये तो cos थीटा हो गया। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स, क्योंकि थीटा के पास है पाई बाई सिक्स। अब आप इस फॉर्मूला को लगा लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन्स पाई बाई सिक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो पाई बाई सिक्स भाई कहाँ है, बी नंबर में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। अब आइए, यहां पे बोला जा रहा है कि साइन है बाहर में और अंदर में टेन इनवर्स एक्स है, और मॉड ऑफ एक्स जो है 1 से छोटा है। तो आपका यहां पे वैल्यू क्या होगा, ये आप निकाल के दीजिए। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो यहां साइन है और अंदर में है भाई टेन इनवर्स एक्स, यही चीज है। तो इनवर्स बोलता है कि बाहर में साइन है तो अंदर में साइन इनवर्स लेकर आइए, बाहर में अगर साइन इनवर्स होता तो अंदर में साइन लेकर आते, है ना। तो इसको आप साइन में चेंज कीजिए टेन इनवर्स को। तो कैसे करेंगे भाई, तो ये फार्मूला याद नहीं करना, सिंटू सर के क्लास में फार्मूला याद नहीं कराया जाता है, माइंड में घुसाया जाता है ग्राफिकली की बातें कैसे हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है पी बाई बी होता है, मीन्स पी यहां पर एक्स है और बी 1 है, यानी एच की जरूरत है। तो एच कैसे निकलेगा भाई, तो यहां पर 1 + x² लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो है अंडर रूट में करने से क्या मिल जाएगा हमें, हाइपोटेनस मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। तो यहां से अब अगर हम इस टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन होता है पी बाई एच, मीन्स पी है हमारे पास एक्स और एच है अंडर रूट 1 + x², यानी बाहर में तो दोस्त साइन है ही, अब अंदर में जो टेन इनवर्स है यह हो गया साइन इनवर्स में, कैसे, तो x अपॉन अंडर रूट 1 + x². अब आप फॉर्मूला यूज कर देंगे, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वॉट, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो x होता है, यानी x के पास क्या है, तो ये चीज है x अपॉन अंडर रूट 1 + x². नाउ दिस इज योर आंसर, किधर है भाई x अपॉन अंडर रूट 1 + x², तो यह डी में आकर बैठा हुआ है, तो ऑप्शन में डी लगा लेंगे, चलिए सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट क्या है भाई, तो ए आई जे।
आई जो है रो को डिनोट कर रहा है और जे जो है कॉलम को, मीन्स आई थ्रो और जेथ कॉलम, और एम बाई एन क्रॉस का यह मैट्रिक्स है, मीन्स एम जो है नंबर ऑफ रोज एंड एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे। देन द ट्रांसपोज ऑफ ए, तब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, परिवर्त क्या होगा, ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स का। आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसमें बातें होती है कि अगर कोई आदमी सूतल है तो मैंने उसको उठा दिया तो हो गया ट्रांसपोज, मीन्स सूतलका को उठाना और उठलका को सुताना, यही काम इसमें करना होता है। मीन्स इसका ऑर्डर भी चेंज होगा और एलिमेंट आईथ रो और जेथ कॉलम्स जो है वो भी चेंज हो जाएंगे। मीन्स अगर आपके पास है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, यहीं पे लेते हैं भाई ए आई जे, और एम बाई एन ऑर्डर का है, तो इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर जो आई है उसके जगह पर जे आएगा और जो जे है उसके जगह पर आई जाएगा, और ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, तो एन बाई एम हो जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम चेंज हुआ तो ऑर्डर भी चेंज हुआ। यानी यह कहाँ पे है आप देख लीजिए, ए जे आई एन क्रॉस एम, यहाँ ए जे आई, ये तो गया घरे, ए जे आई सही है, ए एम क्रॉस एम है भाई, गया तुम ऑर्डर से, यहाँ आ जाइए ए जे आई सही है, ए जे आई है एन क्रॉस एम सही, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करना है हम लोगों को और आप लोगों को भी, है ना, हम लोगों बोल दिया यानी आप सब हैं उसमें, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12। जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा वो तो कर ही लिया होगा, और भाई जो नया अभी जैक बोर्ड दिया या कौन दिया बनाकर उसको, जो भी फाइव सेट्स हमारे पास आए हैं बहुत पहले, उसमें जो आंसर आया है अभी बनाकर, आंसर जो दिया गया है सिर्फ आंसर दिया गया है, बनाया नहीं गया है क्वेश्चन को, तो बहुत सारा ऑप्शन उसमें जो है ऑप्शन का जो आंसर है क्वेश्चन का, सॉरी जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत कर दिया गया है, है ना, तो उसको आप रटने का कोशिश ना करेंगे कि भाई रट लेंगे तो काम हो जाएगा, इसमें से जो आएगा क्वेश्चन माइंड में होना चाहिए। बहुत सारा आंसर गलत दिया गया है और कोई कोई यूट्यूबर साहब जो हैं क्वेश्चन समझाने में ही गड़बड़ा जा रहे हैं लेकिन के, और आंसर कहीं से मार दे रहे हैं, हमने देखा है ऐसा हुआ है, लेकिन आप सही तरीके से सही डीलिंग के साथ आप देखेंगे ठीक है, और मेरा वीडियो देखिए आप, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे बोला गया है 12 नंबर में कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है, भाई इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि पहला रो के बराबर पहला रो, दूसरा रो के बराबर दूसरा रो, पहला कॉलम के बराबर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम के बराबर दूसरा कॉलम, ऑर्डर शुड बी इक्वल, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स का। तो भाई हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा हम करेंगे जहां से इजीली हम निकाल सकते हैं x y का वैल्यू, तो यहां से देखिए, यहां जो 4x हमारे पास है दूसरे कॉलम में, तो इसका दूसरा कॉलम के इसके बराबर हो जाएगा, यानी हमारे पास 4x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 6। तो यहां ये इधर राइट से लेफ्ट में आकर शिफ्ट होगा तो कैसा हो जाएगा, 4x माइनस x इज इक्वल टू 6, मीन्स 3x इज इक्वल टू 6, 3 टू जा 6, मीन्स x का वैल्यू मेरे भाई 2 आया, क्या आया 2 आया। अब y का वैल्यू आप ढूंढिए, तो y का वैल्यू कहां से ढूंढेंगे, यहां से भी काम बन जाएगा, यहां से भी काम बन जाएगा, तो ले लीजिए 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 होगा, क्या होगा 7। x का वैल्यू आपने 2 निकाला, यहां पे 2 डालेंगे आप तो 2 टू जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू क्या होगा 4 शिफ्ट होगा राइट में जाकर तो 7 माइनस 4, मीन्स y का वैल्यू आपको 3 मिल जाएंगे। तो x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू 3 निकला, x का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 3 निकला, x है यहाँ y है यहाँ, तो आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है। किसी प्रकार का कोई परेशानी तो आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा मेरे प्यारे भाई। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 नंबर क्वेश्चन है
कि इफ ए इज इक्वल टू एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है जिसमें एलिमेंट्स है नंबर है फर्स्ट रो में 0 1 1 0 है, ठीक है। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तब ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, मीन्स आपको ए स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे ए इंटू ए, मीन्स यह है क्या है भाई, तो दो बार मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 1 1 0, फिर यहां से 0 1 1 0। चलिए गुना कीजिए, गुना कैसे करना है, रो से कॉलम वाइज गुना करते हैं, तो पहले रो से पहला कॉलम में, उसके बाद दूसरा कॉलम में, तो 0 से 0 में करेंगे क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। 1 से 1 में करेंगे आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। अब चलिए इस पहले रो से पहला कॉलम में हो गया, अब दूसरा में कीजिए, 0 से 1 में करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 से 0 में करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पहला रो से दोनों कॉलम में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब करेंगे दूसरा रो से पहला कॉलम में, 1 से 0 में करेंगे क्या मिलेगा बोलिए, 0। 0 से 1 में करेंगे क्या मिलेगा बोलिए, 0। अब करेंगे इसमें 1 से 1 में करेंगे क्या मिलेगा, 1। 0 से 0 में करेंगे क्या मिलेगा, 0। आपको तो जोड़ आता होगा बिल्कुल, 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1। तो भाई साहब क्या आ गया आंसर, तो आंसर आ गया देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही ऑप्शन है। अब आइए यहां पे है क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है कि द मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स इज अ, यह कैसा मैट्रिक्स है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी कैसे होता है भाई, तू ही बताओ तो कैसे, आइडेंटिटी में 1 0 0 1 डायगोनल एलिमेंट इसका 1 1 होना चाहिए, डायगोनल नंबर 1 1 होना चाहिए। तो ये तो आइडेंटिटी हो नहीं सकता, इसका काम समाप्त। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि आप उसको उलट के देखिए, पलट के देखिए, हर कंडीशन में वही मैट्रिक्स दिखेगा, है ना। जैसे इसका नाम सपोज कीजिए आपने ए दे दिया, तो ए डैश निकालने के बाद अगर ए आ गया तो वह सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका आप ए डैश निकालेंगे और इसको आप पलटेंगे तो ये क्या मिलेगा, पहला रो को पहला कॉलम बनाकर देखिए, तो 1 0 0 इसमें डाल दिए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाकर देखिए, ए हो गया, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, कोई चेंजिंग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो इस प्रकार का मैट्रिक्स मेरे भाई मेरे दोस्त क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आईव्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें क्या है भाई, तो कॉलम मैट्रिक्स है वह, और बी इज इक्वल टू एक रो मैट्रिक्स दिया है। बोल रहा है कि एक बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, तो रिवर्सल रूल से आप काम कर दीजिए, उतना बड़ा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी का ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो यह ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होगा। तो अगर ए है वह मैट्रिक्स कॉलम, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह रो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए रो में, तो ए डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए जो है हो जाएगा 1 - 4 3। अब अगर बी का ट्रांसपोज करेंगे तो यह है रो मैट्रिक्स, ए हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, मतलब ये हो जाएगा -1 2 1, है ना। तो अब यहां से आप निकाल दीजिए क्या, तो ट्रांसपोज ऑफ मतलब बी डैश और ए डैश, तो यहाँ ट्रांसपोज ऑफ बी और ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बी हमारे पास है -1 2 1 और ए है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज 1 - 4 3 है। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो पहले देखिए कि होगा कि नहीं, ये कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 रो है यानी 3 एक कॉलम है 3 बाई 1। ये कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 1 रो है और 3 कॉलम है, यह हो गया। इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो जो है इक्वल है, मल्टीप्लाई होगा,
और मल्टीप्लाई होने के बाद ए वाला चीज हट जाएगा, 3/3 ऑर्डर में आंसर मिलेगा। तो आइए कीजिए, रो वाइज कीजिए ना, पहले रो से सब में, तो माइनस वन से वन में करेंगे तो माइनस वन होगा, माइनस वन से फोर में क्या होगा, फोर होगा, माइनस वन से थ्री में क्या होगा, माइनस थ्री होगा, टू से वन में करेंगे टू होगा, टू से फोर में करेंगे माइनस एट होगा, टू से थ्री में करेंगे सिक्स, वन से वन में करेंगे वन, वन से माइनस फोर में करेंगे माइनस फोर, वन से थ्री में करेंगे थ्री। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है आपका, ऑप्शन कहाँ है भाई, वहाँ पहले रो में माइनस वन फोर थ्री यहाँ पे तो है, माइनस वन फोर थ्री। तो ये भी है, ये भी है, लेकिन अगला देखिए -143। ठीक, दूसरे रो में 2-8, 6 ये तो गया, यानी यही सही होने वाला है, 1-4, 3। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो आइए, यहां पर एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है रखा गया है। तो आइए क्या है भाई, तो यहां है कॉस थीटा, इसके बाद यहां है साइन थीटा, इधर है माइनस साइन थीटा, यहां है कॉस थीटा। तो डिटर्मिनेंट निकालिए, पहले प्रिंसिपल यहाँ डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन माइनस साइन थीटा में, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस प्रमेय से वन हो गया यह, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन हो जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं, अब आगे 17 से बात। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट देन एक्स इज, मतलब पूछा जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट के बराबर यह डिटर्मिनेंट है जिसमें एक्स रखा गया है वेरिएबल, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, वो निकाल के हम लोग को क्या करना है, बताना है, क्या करना है, बताना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 5 से x में करेंगे 5x माइनस 2x से 3 में करेंगे 3 2 6x, तो इधर माइनस 2 बच जाएगा और 5x में से 6x घटेगा तो माइनस x बचेगा, माइनस माइनस कटेगा तो x बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा, x बराबर क्या मिल जाएगा भाई, 2 मिल जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ए नंबर सही ऑप्शन है। चलिए आइए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में दिया हुआ कौन सत्य है आप बताइए। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, सी नंबर ऑप्शन नहीं लिखा है, तो सी नंबर ऑप्शन मैं ले रहा हूं, ए बी डी लिख दिया है, ए बी डी सी नंबर ऑप्शन मैं लिख रहा हूं यहां पे। सी नंबर ऑप्शन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अब मैट्रिक्स, यहां पर स्क्वायर नहीं है, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स है, तो यहां पर मैंने लिख दिया मैट्रिक्स। ठीक, अब सी नंबर बोलता है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आइए तो यहां पर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन भाई सही है आप बताइए। तो बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, कैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है।
तो यहां पर पहला ऑप्शन तो भाई साहब गलत है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर की डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। नहीं भाई, डिटर्मिनेंट है एक नंबर, लेकिन डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, सही बात है, लेकिन वो मैट्रिक्स से एसोसिएट रहता है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स से एसोसिएटेड रहता है ये चीज यहां पर नहीं क्लियर किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये भी गलत है। अब बात आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे बोल दिया गया कि डिटर्मिनेंट जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सही बात, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, सही बात, एक नंबर है और एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स और यह एक वर्ग आईबीयू से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर कर दिया यहां पर। डिटर्मिनेंट आंसर में हमें एक नंबर देता है जो कि एक वर्ग आईबीयू से जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही ऑप्शन है। अब आइए यहां पे है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 19। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा वो आप निकाल के अपना ऑप्शन सही कीजिए और आप अपना नंबर लेकर जाइए। तो चलिए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहले इसको मैं अच्छे तरह से फ्रेश कर देता हूँ, है ना। आइए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है भाई। ए का डिटर्मिनेंट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है भाई, 1 है, साइन थीटा है, इधर भी 1 है, यहाँ माइनस साइन थीटा है, यहाँ क्या है साइन, ओ सॉरी 1 है, इधर साइन थीटा है, और यहाँ क्या है माइनस 1, यहाँ क्या है माइनस साइन थीटा, ओ सॉर हाँ माइनस साइन थीटा 1, है ना। तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू थीटा का है मींस डोमेन जो है 0 भी है, 2 पाई भी है, इसके बीच का भी है। तो आइए पहले डिटर्मिनेंट निकालिए इसका। तो साहब अगर मैं ऐसा करूं कि कॉलम नंबर 3 को लाकर कॉलम नंबर 1 में ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा C1 से C1 प्लस C3। तो ऐसा काम आप करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 1 जो है 1 में जुटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा में जुटेगा तो 0 हो जाएगा, 1 जो है माइनस 1 में जुटेगा तो 0 हो जाएगा, और C2 और C3 अपने अपने स्थान पर रहेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ C1 का यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, साइन थीटा, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा, इधर क्या है 1, इधर क्या है साइन थीटा, इधर है 1। अब हम जानते हैं कि जिस रो और जिस कॉलम में 0 ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा 0 बैठा हुआ रहेगा, उसी रो और कॉलम से हम लोग नंबर को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे ज्यादा 0 यहां पर कॉलम नंबर 3 में है, तो आप यहां से निकालिए, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट बनाने के लिए प्रॉपर्टी के साथ साथ ए वाला साइन भी आपको याद होना चाहिए, है ना। तो हम लोग सी कॉलम नंबर C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं यहां पे एलिमेंट को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नंबर को एक्सपेंड कर रहे हैं, एलिमेंट भी तो बोल ही सकते हैं इसको कि इसमें इतना है। तो आइए, तो यहां पर 2 निकलेगा, इसके आमने सामने हो जाएगा बंद, मींस ए वाला खत्म, ए वाला खत्म, तो आपके पास बचा क्या, यहां से 1 और यहां से माइनस साइन थीटा, यहां से क्या मिलेंगे साइन थीटा और यहां 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ 2, 1 से 1 में जाएगा 1, यहाँ माइनस माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे दोस्त बोल रहा है कि जो आप थीटा का वैल्यू लेंगे वह 0 से बड़ा और बराबर, 2π से छोटा और बराबर। तो आप समझिए, अगर थीटा का वैल्यू मैं 0 ले लूं तो ये हो जाएगा कितना, साइन तो 0 कर जाएगा यहाँ पे, जो कि हमें थीटा के वैल्यू 0 लेने पर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरे भाई 2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2। अगर मैं थीटा का वैल्यू 2π भी ले लूं तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब इसके बीच का लीजिए एंगल, आप अगर आप थीटा का वैल्यू साहब 90 डिग्री ले लेंगे जो कि इसके बीच का है,
तो और ए तो कभी माइनस में हो नहीं सकता क्योंकि ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से देखिए आप, अगर थीटा आप साहब 90 डिग्री को पकड़ते हैं, कितने को पकड़ रहे हैं 90 डिग्री को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास निकलेगा यहां 2 और यहां 1 प्लस। तो थीटा का वैल्यू 90 पकड़ रहे हैं तो साइन 90 1 यानी 1, तो यहां 1 1 2 हो गया अंदर में और 2 2 4 हो गया, यानी हमें 2 भी मिला और 4 भी मिला। और इसके बीच के अगर और छोटा छोटा ले तो शायद इसके बीच का चीज मिले, नंबर मिले हमें 2 और 4 के बीच का, यानी आंसर में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बिलोंग्स करेगा 2 भी रहेगा और 4 भी रहेगा और इसके बीच का भी नंबर हो सकते हैं, यानी हमें मिलेगा क्लोज इंटरवल 2 और 4। यानी यहां पर देखिए ये तो ओपन में है, हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो डी ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, बोल रहा है कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब कि उस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ऑफ ऑर्डर 3/3, कितने ऑर्डर का है भाई, 3/3 ऑर्डर का। देन तब पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, मींस मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा। तो आइए इसको हम कैसे करते हैं भाई, ये चीज आप याद रखेंगे है ना, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास सपोज कीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है जो कि एन बाई एन ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, एन बाई एन ऑर्डर का, तब आप इस मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने जाएंगे तो यह होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर क्या होगा भाई। तो यहां एन जितना ऑर्डर का है वो पावर में लगा दीजिए और एक आपको कम कर देना है, तो एक आप इधर से कम कर लिए, यानी यहां पर जो गिवन मैट्रिक्स है भाई वो 3/3 ऑर्डर का है, यानी एन का वैल्यू हमें क्या लेकर आना है, 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 3-1, मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा यह, यानी जितना ऑर्डर देगा पावर में उसको डाल के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक घटा देंगे, यानी यहां डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो शायद आप नहीं देखेंगे इतना बड़ा वीडियो। तो अगले वीडियो में इसका सेट 1 का पार्ट 2 बनाया जाएगा जिसमें 20 से लेकर 40 तक सॉल्यूशन डाला जाएगा। इस वीडियो में 1 से 20 तक ही हम लोग बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो भी वो वीडियो को, इस वीडियो को देख कर लाभ उठाएंगे, अपने एग्जाम को सही ढंग से फाइट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।